हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन निधि। तो आज हम केले के बहुत ही डिलीशियस मालपुए बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं किचन में बनाना शुरू करते हैं केले के बहुत ही टेस्टी मालपुए। तो एक वीडियो पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिन्हें विजिट करके आप अपनी पसंद की कोई भी न्यू रेसिपी देख सकते हैं। केले के मालपुए बनाने के लिए हमने ये दो मीडियम साइज़ के केले लिए हैं। ये पके हुए केले हैं, तो आप जितने चाहे उतने मालपुआ बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मालपुए होते हैं, आप इसे जितने भी दिन तक रख के खा सकते हैं। और ये एक बाउल हमने गेहूं का आटा लिया है, एक बाउल हमने ये चीनी ली है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी आप डाल सकते हैं। और ये एक चम्मच हमने ग्रेटेड नारियल लिया है, और दो से तीन हमने हरी इलायची ले ली है। इसको हम कूट कर डालेंगे। तो आप जब भी मालपुए बनाएं तो इलायची को तुरंत कूट कर ही डालें, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बनाने की। तो सबसे पहले केले को छील कर और केले को मैश करेंगे। तो केले को छील लेते हैं और एक बड़ा बाउल ले लेंगे, इसमें केले को कट करके डालेंगे। तो ये मालपुए आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। तो ठंड में आप बच्चों को केले ना दें तो फिर भी आप इस तरीके के पूए उनको बनाकर देते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, फ़ायदा बहुत करते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैसर से हमने इसको मैश कर लिया है। तो देखिए इसे आप कोई बाउल या फिर गिलास की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो हमने इसमें बिल्कुल अच्छे से इसको मैश किया है, बिल्कुल भी लम्प नहीं रहने चाहिए। एक बाउल इसमें आटा डाल देते हैं, आटे और इसको दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें ग्रेटेड नारियल को ऐड कर देते हैं। तो नारियल डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये तीन इलायची हैं जिनको हम कूट कर डालेंगे। तो इनको हमने कूट कर तैयार कर लिया, इसको हमने दरदरा ही कूटा है, तभी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और पूरा खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। तो देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें दो बड़े चम्मच हमने चीनी ऐड कर दी, आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, तो भी ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए इसका एक डो लगा कर तैयार करेंगे, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक चम्मच इसमें दूध डाला है, दूध से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये थोड़े खस्ता बनेंगे। तो इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसका एक डो लगा कर तैयार करेंगे। देखिए चम्मच से हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसे हाथ से अच्छे से गूंथ कर तैयार करेंगे और इसका एक नरम डो बनाकर तैयार करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो केले और एक चम्मच दूध से पहले हम इसको मिक्स करके अच्छे से डो बनाकर तैयार करते हैं। इतने में ही अच्छे से डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। तो डो को 5 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इससे पुए बनाएंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, डो को चेक करके देख लेते हैं। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है, तो पुए बनाना भी शुरू करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम बनाना पुए बनाएंगे, तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो बच्चों के लिए आप इस तरीके से पुए बना सकते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक चकला ले लिया है। तो देखिए आटे से हमने लोई को कट कर लिया है और इसकी रोटी की तरह एक बड़ी सी पतली रोटी बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, एक पतली रोटी को बेल कर तैयार करना है। आप जिस तरीके से रोटियाँ बेलते हैं उसी तरीके से इसको उसी साइज़ में पतला बेल लेना है। तो देखिए कोई भी गिलास की हेल्प से आप इस तरीके से इसके गोल पीसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से गोल गोल हम गिलास से कट कर लेंगे। आपके पास अगर बाउल हो तो आप बाउल से भी इसके पीसेस निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से इसके गोल पीसेस निकाल लिए हैं और जो एक्स्ट्रा आटा है वो वापस डो में मिला देंगे। इसी तरीके से सभी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और देखिए घी को हमने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है, तो घी हमारा मीडियम हाई होना चाहिए, तभी ये पूरे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी तरीके से सभी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने बनाकर तैयार किए हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करके देखिए। और देखिए हमने इस तरीके से बनाना पुआ बनाकर रेडी कर लिया है। तो थोड़ा सा डो हम इसमें डालकर देखेंगे। तो देखिए कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है और इसी तरीके से सभी पुओ को इसमें डाल देते हैं। किक करके इसमें डालेंगे, जितने इसमें आसानी से आ जाएँ उतने ही पुए इसमें डालेंगे। और सभी को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से सभी पुओ को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है, तभी हमारे पुए बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और फुल गैस पर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं सेंकना है।
तो देखिए एक साइड से जब ये अच्छे से सिक जाएंगे उसके बाद ही इन्हें दूसरी साइड से पलट कर सेक कर तैयार करेंगे। तो देखिए पूरे सिक कर हमारे तैयार हो गए हैं, पूरे बहुत ही गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इन्हें एक एक करके निकाल लेते हैं, इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारे पूए बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी पुए को भी निकाल लेते हैं और बना लेते हैं। तो देखिए बनाना पुआ हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से बाकी पुओं को भी बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सभी पुओं को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी हमारे बनाना पुआ बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए बनाने पुए के में कितनी अच्छी चीनी लग रही है। तो आप लोग इस तरीके से चीनी वाले ज़रूर बनाकर देखें, बिल्कुल कोकोनट वाले बिस्किट लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप लोग एक बार बनाकर देखिए। तो वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।